Hello, assalamu alaikum everyone. It's been 2 weeks since my C-section and I'm gonna share all my experience with you guys. तो मेरा बड़ा मजे का एक्सपीरियंस रहा, मतलब थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मुझे कोई मसला नहीं था, लाइक मुझे कोई डायबिटीज इश्यूज नहीं थे मुझे. हाँ तो मैं बता रही थी कि जब मुस्तफ़ा पैदा होने वाला था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डाइट बहुत अच्छी थी. आई वॉज टू एक्टिव, मैं 7 मंथ्स तक तो मैं जॉब कर रही थी तो मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ. और एंड 2 मंथ्स पहले मैंने डिसाइड किया कि यार मैं तो पाकिस्तान जा रही हूँ. और पाकिस्तान जाने से पहले जो है ना, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैंने तो सी सेक्शन करवाना है, क्योंकि मैंने अपने आसपास जो है ना ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंस सुने हुए थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार सी सेक्शन करवाना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू गो फॉर अ नेचुरल बर्थ. अब मतलब मेरा इतना पक्का माइंड बना हुआ था ना उस टाइम सी सेक्शन का, कि मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी सास को, अपनी मम्मी को, सबको कन्विंस कर दिया कि नहीं मैंने सी सेक्शन करवाना है, मैंने यहाँ पर सबका एक्सपीरियंस देखा है, सब कहते हैं कुछ भी नहीं होता. और थोड़ा सा टाइम गुजरा और सबने मुझे कन्विंस कर लिया कि नहीं नेचुरल बर्थ जो नॉर्मल होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है. तो मैं पूरी कन्विंस हो गई कि ठीक है मैं नॉर्मल करूँगी और मैं एपिड्यूरल लगवा लूँगी. तो आई वाज 33 वीक्स प्रेगनेंट जब मैंने ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान ट्रैवल किया. उस टाइम आपको डॉक्टर का एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है जो एयरलाइन को आपको शो करवाना होता है कि हाँ जी आप बिल्कुल फिट हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं. अदरवाइज आई थिंक 34 वीक्स के बाद वो आपको कोई भी एयरलाइन, उनकी अपनी पॉलिसीज होती है, लेकिन मेरे ख्याल से 34 वीक्स के बाद वो आपको ट्रैवल परमिशन नहीं देते हैं. अब मैं यहाँ आई, मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स को जनरल चेकअप करवाना स्टार्ट किया. सबसे मुझे कहा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज फाइन. एट देन मैंने मुख्तार शेख चूज़ किया डॉक्टर तहरीम के पास. वहाँ पे मतलब सबने मुझे जो रिकमेंडेशन दी मैंने उस पर किया. डॉक्टर तहरीम के पास मेरा जनरल चेकअप सिर्फ एक दफ़ा हुआ था और अगली दफ़ा अगले चेकअप से पहले ही जो है ना मतलब मुझे जाना पड़ गया. अब मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना वो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब हर डॉक्टर के पास हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. तो मैंने पर्सनली सी सेक्शन इसलिए डिसाइड किया हुआ था क्योंकि मैंने एक दो जो है ना मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में इधर उधर एक्सपीरियंस देखे लोगों के. कुछ ऑपरेशन थिएटर में खुशी खुशी गई, बच्चा लिया और घर वापस चली गई, और कुछ के साथ ये सीन हुआ कि यार उन्होंने 8-10 घंटे या 13-14 घंटे दर्द बर्दाश्त किया इतनी देर, और किसी किसी ने तो 23-24 घंटे भी बर्दाश्त किया. उसके बावजूद भी एट द एंड जो है ना वो ऑपरेशन हुआ. और इससे बेहतर तो मैंने सोचा कि यार ये तो सही नहीं है कि आपको एक फिक्स डेट मिल जाए, आप तैयारी करके हॉस्पिटल जाओ और खुशी खुशी ऑपरेशन थिएटर जाओ, बच्चा लो और घर वापस. तो इस वजह से मैंने पक्का माइंड बनाया हुआ. लेकिन फिर बाद में मैं आई तो मुझे सबने कहा कि नहीं इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए. मैंने भी इंतज़ार कर लिया और इंतज़ार कर तो लिया, लेकिन आई वाज 37 वीक्स प्रेगनेंट और मुझे डॉक्टर ने बोला कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो 39 वीक्स तो इजीली टच करेगा. तो मेरे जहन में ये था कि अब तो बड़ा टाइम है, हमारी तैयारी उसके अकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन अचानक जो है ना हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया. अब हम हॉस्पिटल गए, सुबह 7 बजे से लेके मैंने शाम 6 बजे तक इंतज़ार किया. कुछ भी नहीं हो रहा था, लाइक यू हैव टू बी 10 सेंटीमीटर डायलेशन होनी ही होती है, और जो कि आई वॉज ओनली अबाउट एट 1.5 सेंटीमीटर्स, और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और कुछ हो ही नहीं रहा था. तो मैंने कहा कि नहीं यार मुझे तो सी सेक्शन करवाना है. मैंने ना अपनी तरफ से बड़ी रिसर्च की हुई थी जनरल एनेस्थीजिया के ऊपर, एपिड्यूरल के ऊपर. मैं डिफरेंट वीडियोज़ देखी हुई थी, लोगों के डिफरेंट रिव्यूज़ देखे हुए थे. वैसे सारे कहते हैं कि जी एपिड्यूरल लगवाने से जो है ना मतलब वैसे सारे कहते हैं कि एपिड्यूरल लगवाने से जो है ना कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ये हो जाता है. तो मैंने वो अपनी सारी रिसर्च की. अब मुझे इतना उस टाइम पेन हो रहा था ना कि जब वो एनेस्थीजिया वाला डॉक्टर आया ना, तो मैंने उसको बोला कि मैंने जनरल एनेस्थीजिया लगवाना है, क्योंकि मैंने मरियम परवेज की एक वीडियो देखी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एपिड्यूरल उन्होंने लगवाया तो उनको वो इफेक्टिव मतलब उनके ऊपर वो असर ही नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से फिर बाद में उनको जनरल एनेस्थीजिया दिया और उनको पूरा बर्दाश्त करना पड़ा, मतलब वो जो कट वगैरह लगाया. तो मैं उस वजह से वो शायद मेरे दिमाग में वो बात ऐसे बैठी हुई थी कि मैं अच्छी खासी डरी हुई थी. तो वो डॉक्टर मेरे पास आया, मैंने तो उसको कहा कि मेरी बात सुने, मुझे तो जनरल एनेस्थीजिया थे, मैंने तो इतने घंटे दर्द बर्दाश्त कर लिए, अब मुझे कुछ भी ना पता लगे, अब तो मैं टोटल बेहोश होना चाहती हूँ. फिर डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि आप बताएं कि आप क्यों लगवाना चाहती हैं. मैंने कहा मैं बेहोश होना चाहती हूँ ताकि मुझे कुछ भी ना पता लगे ना. तो फिर उसने मुझे प्रॉज एंड कॉन्स बताया. उसने कहा कि अगर आप जीए लगाते हैं दैट इज जनरल एनेस्थीजिया, तो वो नाक के थ्रू गुजारते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपका गला सबसे पहले पक जाता है, और गले में कोई नाली आई थिंक डालते हैं जिसकी वजह से गला बिल्कुल ख़राब हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, मतलब गला जो है ना मतलब ख़राब हो जाता है. इसके अलावा जो है ना जो जनरल एनेस्थीजिया होता है वो बेबी के थ्रू पास होके फिर वो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो बेबी को भी इफेक्ट कर सकता है. इसके अलावा मतलब उसने मुझे 3-4 उसके ना कॉन्स बताए, और उसने एपिड्यूरल लगाना था तो उसने मुझे कहा कि अगर आप ये समझती हैं कि एपिड्यूरल लगवाने से आपकी कमर में दर्द होगा या लॉन्ग टर्म में आपको कोई और मसले होंगे, तो दीज आर ऑल मिथ्स. आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है, कोई भारी काम नहीं करना, और अपने मल्टीविटामिन्स वगैरह वो पूरे मतलब मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने इतनी रिसर्च की हुई है मुझे पता है.
तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैंने कहा चलो सही आप लगा दो। तो फर्स्ट थिंग ये कि अगर आप लोग के पास चॉइस होगी आपने जनरल एनेस्थीसिया लेना है या आपने एपिड्यूरल लेना है तो यू शुड गो फॉर एपिड्यूरल, बिकॉज जनरल एनेस्थीसिया के अंदर रिस्क फैक्टर्स और रिस्क चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो अवॉइड किया जाता है एज कम्पेयर टू एपिड्यूरल। और इसके अलावा ना ये भी एक बात है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो इंजेक्शन लगता है, बहुत मोटा इंजेक्शन होता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता, बहुत बारीक सी सिरिंज होती है जो ऊपर लगती है, कमर में लगती है लेकिन वो रीढ़ की हड्डी में नहीं होती। तो और जो है ना मतलब इतनी बारीक सी सिरिंज होती है कि मुझे तो ऑलरेडी इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मुझे उसका दर्द बिल्कुल फील हुआ ही नहीं, मुझे तो एक सेकंड के लिए, मुझे तो मेरे लिए वो पेन रिलीफ था। तो इस वजह से जो है ना, लेकिन वैसे अगर आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज्यादा कोई पेन होता है, नॉर्मल बहुत बारीक सी सिरिंज होती है, यहाँ तक कि जो हाथ में हमारे आईवी वो डाली होती है और लोगों ने ड्रिप के लिए वो ज्यादा मोटी होती है एज कम्पेयर टू वो जो इंजेक्शन होता है। जनरल एनेस्थीसिया होता है उसके अंदर बस ये होता है कि आप ऊपर से कोई मास्क आता है, आप उसमें इनहेल करते हो और ऐसे बंदा बेहोश हो जाता है। और एपिड्यूरल में ये होता है कि वो आपको कमर में इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है ना आपका पूरी बॉडी सुन हो जाती है। मेरा सी सेक्शन हुए ना 2 वीक्स हो चुके हैं और मुझे अभी ऐसे लगता है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, लाइक मुझे अभी लिटरली ऐसे फील हो रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ऑब्वियसली सब कहते हैं कि बाद में ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो क्यों साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी केयर नहीं करते हैं। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर डाइट, आप बहुत अच्छी चीज़ें खाएं और मल्टी विटामिंस, जो मेरा बिलीफ है ना कि आपको अपने मल्टी विटामिंस थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी एज वेल वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। मेरा जिस दिन सी सेक्शन हुआ था उससे अगले दिन मैं आराम से वॉक कर रही थी भी। और इसके अलावा दीज आर दी एलिवेट टैबलेट जो कि मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी में ली है एंड आफ्टर प्रेगनेंसी एज वेल, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने उसको बोला कि मुझे बाल के लिए कोई सप्लीमेंट्स दे दो, उसने कहा दिस इज बेस्ट, मैं तो यही खाते रहो। तो मैंने ये अच्छी खासी जो है ना ये 100 टैबलेट्स वाला पैक था और मैंने 2 पैक्स तो तकरीबन खत्म किए। सी सेक्शन करवाने के बाद जल्दी रिकवर करने का सिर्फ ये तरीका होता है यू हैव टू स्टे एक्टिव, लाइक यार आप अगर बेड पे पड़े रहोगे तो आप ऑब्वियसली बीमार फील करना स्टार्ट कर दोगे। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि बंदा जो है ना लिटरली वॉक रिकमेंडेड होती है, इसके बाद अगर आप रोजाना 20 मिनट वॉक करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है, आपका जो जख्म है वो जल्दी भर जाता है। और विद इन 10 डेज मुझे डॉक्टर ने मतलब बिल्कुल रिकमेंड कर दिया था कि मैं बेल्ट तक वेयर कर सकूं। तो मैं जो अपनी पर्सनल मशवरा दूंगी ना सबको वो ये है कि यार एक तो जो है ना ऑपरेट करवा के ना अपने दिमाग नहीं चढ़ा लेना कि ऑपरेट हुआ है अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो 40 दिन जो है ना वो बेड से ही चिपके रहना है, या महीना कम से कम कुछ भी नहीं होता, हफ्ता नहीं ऑब्वियसली, या 3-4 दिन तो ऑब्वियसली आपको रिकवर करने में थोड़ा सा मतलब आपको उठने बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन 3-4 दिन बाद बिल्कुल नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है और विद इन 10 डेज आपको बिल्कुल सेट हो जाता है। विद इन 10 डेज बाद आप दिस इज द बेल्ट। तो आफ्टर 10 डेज मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं पोस्टमार्टम बेल्ट लगा सकती हूँ या नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल लगा सकती हैं, उससे आपके स्टिचेस में बिल्कुल पेन नहीं होता और बिल्कुल ना कोई स्ट्रेच पड़ता है, मतलब मैं खुद भी लगा रही हूँ तो दिनों से कुछ भी नहीं होता। तो दिस इज द बेल्ट आई हैव बीन यूजिंग, ये 700 की ली थी हमने फार्मेसी से, नॉर्मल फार्मेसी से, मैंने कहीं से ऑर्डर नहीं की थी और ये आई भी 700 रुपये की थी। और बस ये मैं अच्छे से लगा लेती हूँ और लिटरली इट गिव्स सपोर्ट, मतलब आपको आगे से भी एक तो पेट नहीं निकलता ऑब्वियसली जो कि सबसे बड़ा मसला होता है आपको सी सेक्शन करवाने के बाद, इसके अलावा आपकी कमर को भी बैक बोन आपको सपोर्ट मिलती है ना। और लिटरली मुझे तो ये इतने मजे की लग रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मतलब ये लाजमन लगानी चाहिए। सिर्फ एक बात है, एक तो मुल्तान का मौसम ऐसा है कि अच्छी खासी गर्मी होती है तो बंदे को थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, वरना तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन चीज़ है। तो जो 3-4 बातों का आपने ख्याल रखना है ना, एक तो आपने वॉक डेली करनी है, बेशक थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता, ये कोई भागना छागना थोड़ी होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चल के वॉक करनी होती है, वॉक करनी है। इसके अलावा बहुत अच्छी डाइट लेनी है, अपने मल्टी विटामिंस और सप्लीमेंट्स वगैरह पूरे लेने हैं। इसके अलावा बेल्ट लाजमन वेयर करें, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोई भारी चीज़ नहीं उठानी, रिकमेंडेडेड ये होता है कि बेबी के वेट से ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं उठाना। तो आफ्टर गिविंग बर्थ आपको एक तो स्ट्रेच मार्क्स वो बिल्कुल नहीं जाते, मतलब अभी मुझे सब कह रहे हैं कि नहीं जाते, जाते भी हैं तो बिल्कुल लाइट हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, मतलब कम्प्लीटली तौर पे बिल्कुल नहीं जाते, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं यार, जब ये तो नेचुरल चीज़ है, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं इसके लिए, हम थोड़ी बहुत वो कर सकते हैं, मतलब ऑयल्स वगैरह लगा के, क्रीम्स वगैरह लगा के मसाज कर सकते हैं, तो उसकी कोई टेंशन लेती नहीं हूँ। वैसे मुझे तो बुरे भी नहीं लगते, मैं तो बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ ना उनको, रॉयल किस्म का। टू ऑल द न्यू मॉम्स मेरा सबको सिर्फ ये मशवरा है कि यार सब कुछ हो जाता है, मतलब आप एक दफ़ा ऐसे सोच रहे होते हो कि पता नहीं कैसे होगा, मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं भी यही सारी बातें सोचती होती थी। एंड नाउ टुडे आई हैव अ किड और मैं अभी सोचती हूँ कि हो गया, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि नहीं, पता तो लगा खैर लेकिन फिर भी मतलब सब कुछ हो जाता है, मतलब मुझे सारे कहते थे और हो भी जाता है। तो डरने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक जस्ट डू योर रिसर्च, आपका जिस बात पर आपका माइंड सेटिस्फाई कर रहा है ना आप वो करें।
लाइक इवन इफ यू आर गोइंग, आप अपने लिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं अच्छे से अपनी रिसर्च करें, अपने आप को देखें कि आपकी बॉडी कितनी कंफर्टेबल है किसी काम को करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप करें. एंड बेस्ट विशेज टू एवरीवन, एंड दैट्स ऑल मेरी तरफ से. मुझे अभी तक जितनी भी बातें याद आ रही थी ना वो मैंने कर दी हैं, इतनी सारी बातें करने को तो लेकिन अभी तक मुझे जितनी याद आ रही थी मैंने कर दी हैं. बाकी अगर मुझे याद आई तो मैं बाद में कर दूँगी, कोई मसला नहीं है. अल्लाह हाफिज़, बाय. और मुझे ना अभी एक बात याद आई, हमारे लिए तो ऑपरेशन करवाते हुए हो रहा होता है ना कि यार पता नहीं कितनी बड़ी कोई चीज़ है, या पता नहीं मतलब कितना बड़ा काम है जो हम करने लगे हैं. और लिटरली वो लोग जो अंदर सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ डेली का काम होता है, और दिन के 4-5 तो केसेज ऐसे डील कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल अंदर ऐसे मुझे ऐसे लगता है अंदर पार्टी सीन चल रहा होता है. मतलब कि थ्रू आउट सर्जरी वो आपस में गप्पे मार रहे होते हैं, अफ्तार पार्टीज प्लान हो रही थी. मतलब कि मैं हैरान हो रही थी कि यार अल्लाह के बंदो थोड़ा सा तो प्रोफेशनलिज्म दिखाओ. और मतलब वो आपस में लिटरली अफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे थे, और मतलब मैंने आधे टाइम उनकी बातें सुनी और फिर थोड़ी देर बाद मैं सो गई. तो मुझे अभी वो बात याद आई, मैंने कहा यार